आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य, और आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी बावड़ी की पड़ताल पर लेकर चलेंगे जो एक वक्त में सुसाइड स्पॉट के तौर पर पहचाना जाता था। जब उस कुएं में पानी होता था तो न जाने कितने लोगों ने कूद कर उसमें जान दे दी। तो आखिर इसकी वजह क्या थी, देखिए जरा। देश का दिल है दिल्ली, और दिल्ली के दिल में बसता है कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस के बीचों बीच मौजूद है एक ऐसी बावली जिसकी समय के साथ साथ पहचान बदलती गई। महाभारत काल से लेकर के 14वीं शताब्दी तक इस अग्रसेन की बावली के किस्से कहानियां सुनने में मिलते हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी भी इसके साथ जुड़ चुकी है जो इस जगह को हॉन्टेड बनाती है। तो आज हम इसी राज की पड़ताल करेंगे कि आखिर किन वजहों ने दिल्ली की अग्रसेन बावली को दिल्ली का सबसे हॉन्टेड प्लेस बना दिया। देखिए, मुझे ये पता है कि यहाँ पे ये मतलब महाराजाओं के टाइम पे बनी थी, पानी वगैरह स्टोर होता है। तो एक दो बार मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ तो उन्होंने ही बताया मुझे कि यहाँ पे मतलब कि रात के टाइम हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे बस पहले यही सुनते थे कि पहले पानी स्टोर होता था, और उसके बाद काफ़ी इसको एक दो बार पिक्चर्स में भी देखा तो उस वजह से इसको देखने आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको खाली कराने की वो करी कोशिश करी थी, पर ये हुई नहीं थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पर तैरते थे हम लोग, तैरते थे, कई रोजाना दूसरे तीसरे दिन मौत हो जाती, डूब जाते थे आदमी। जिस तरह काली रात का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, उसी तरह बावड़ी की सफ़ेद काली तस्वीरों का भी गलत मतलब निकाल लिया गया। जहाँ पानी होता है वहाँ डूबने का खतरा तो होता ही है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस उग्रसेन की बावड़ी से एक नई ही कहानी निकली। लोग कहने लगे कि इस कुएं में जो लोगों को मौत के मुंह में खींचता था वो था काला पानी। दिल्ली के कनॉट प्लेस के शोर शराबे के बीच मौजूद एक अजीब सी खामोशी। मैं आ चुका हूं अग्रसेन की बावली में। इस बावली की बनावट की बात की जाए तो वो आम तौर पर जो आम बावलियां वृत्ताकार होती हैं ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये चौकोर है जो कि करीब 105 सीढ़ियां इसमें बनाई गई हैं, जिसमें 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी की कलाकृतियां साफ तौर पर दिखती हैं दीवारों पर और सीढ़ियों पर, जिसमें इस्तेमाल किया गया है लाल बलुए पत्थर का और अनगढ़ के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और पानी को संरक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर इसकी कहानियाँ बदलती चली गईं। बताया ये जाता है कि लोग यहाँ पर तैराकी भी सीखने आया करते थे किसी ज़माने में, और वहीं पर उनकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो जाया करती थी। आखिर किन कारणों की वजह से उनकी मौत हुआ करती थी, क्या है रहस्य, इसकी ही पड़ताल करने हम आ पहुँचे हैं अग्रसेन की बावली में। जितने मुंह उतनी बातें, अग्रसेन की बावली से जुड़ी तमाम किस्से कहानियां हैं जो इस जगह को खौफनाक और डरावना बनाती हैं। रात ढलते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी गहरा अंधेरा हो चुका है, और चमगादड़ों की गूंज आवाज़ें भी आपको सुनाई पड़ सकती हैं अगर हम और गहराई में भीतर की तरफ जाएं। 105 सीढ़ियाँ हैं जिसमें तकरीबन 50 सीढ़ी मैं उतर चुका हूँ और नीचे अंदर की तरफ जा रहा हूँ। बताया ये जाता है कि पुरानी दिल्ली और दिल्ली के लोग इस जगह पर आकर के किसी ज़माने में तैराकी भी सीखा करते थे, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो रहता था, इस बावली में संरक्षित किया जाता था, और उसी में तैराकी सीखने के दौरान कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाया करती थी। लोग कहते हैं कि इस बावली में गजब की सम्मोहन शक्ति थी, जिस शक्ति के बल पर लोग खींचे चले आते थे, बावली में कूद जाया करते थे, जान दे दिया करते थे। यहाँ के लोगों द्वारा जो यहाँ पर मौजूद हैं, पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग, उनका ये कहना है कि इस जगह पर जो पानी मौजूद था, जिसे काला पानी भी समय के साथ कहा जाने लगा, उस काले पानी में सम्मोहन की शक्ति मौजूद थी, यानी कि जो लोग यहाँ पर आते थे उससे वो पानी अपनी तरफ खींचता था, आकर्षित करता था, और समय के साथ यहाँ पर कई लोगों ने आत्महत्याएँ की हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों से हमने बात की उनका ये कहना है कि एक ज़माने में यहाँ पर लोग शाम के वक्त आने से कतराने लगे थे, और रात ढलते ही तो यहाँ पर किसी का भी आना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि एक साया, एक परछाई, एक प्रेत आत्मा यहाँ पर देखी जाती थी जिसे जिन कहा जाता था, ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है। पानी तो पानी है, कभी मटमैला दिखता है तो कभी नीला दिखता है, और अगर कुएं में हो तो काला भी दिखता है, लेकिन इस बावड़ी के काले पानी का नाता सुसाइड तक से जा जुड़ा।
अब आपको दिखाते हैं सुसाइड का मनोविज्ञान क्या कहता है। जो लोग मैं बुज़ुर्ग इस इलाके के मुझे मिले हैं, उनका ये कहना था कि मैं यहाँ पर तैराकी भी सीखा हूँ, लेकिन मेरे सामने कई लोग रहस्यमय तरीके से मरे हैं और उसके बाद से लोग यहाँ पर आने से डरने लगे हैं, कतराते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। मुझे लग रहा है अगर स्विमिंग के दौरान भी कोई इंसान यहाँ पर तैरने की कोशिश करेगा तो किसी एक सीढ़ी से, क्योंकि इक्वलिटी लेवल नहीं है, सरफेस इक्वल नहीं है। अनइक्वल सरफेस की वजह से किसी के सर पर चोट लग सकता है, किसी के ऐसे, क्योंकि दिमाग के किसी पर्टिकुलर हिस्से पर चोट लगे तो इंसान की जान जा सकती है, एक बहुत नॉर्मल है। और जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आई डोंट नो, उस वक्त यहाँ पर मछलियाँ भी होंगी, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या बोलते कुआँ था जहाँ पर वाटर स्टोरेज किया जाता था। तो जितना मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, मुझे डर की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बैठ के खुद ही गाने सुन रही थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो वो सारी चीजें एक बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं और वही एक इंसान में डर पैदा कर रही है। एक बावड़ी और उसके हजार अफसाने, इन अफसानों का कोई और छोर नहीं मिलता और काले सायों का कोई विज्ञान भी नहीं मिलता। रही बात कुएं के काले पानी और सम्मोहन की, तो दुनिया में ऐसी तमाम जगह मिल जाएंगी जहां से लोग लगाते हैं मौत की छलांग। देखिए, मैं काफ़ी समय से इस जगह पर घूम रही हूँ तो मुझे एक चीज़ जो लग रही है, जहाँ पर बैट्स हैं, पिजन्स हैं, हर जगह उनकी पूप जो है वो स्टिंग कर रही है, वो एक अपने आप में एक इंसान को ऐसा इन्वायरमेंट देती है जिससे कि इंसान खुद नेगेटिव फील करता है कि अंधेरे में ये जगह जो है वो थोड़ी सी भयानक इसीलिए लगती है क्योंकि ये जितने भी आई वुड से स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स हैं, क्योंकि उनकी पूप्स की वजह से स्मेल हो जाता है और वो अपने आप एक नेगेटिव एनर्जी है। हॉन्टेड प्लेसेस में लोगों को इतना रोमांच मिलता है कि वो उस जगह पर बार बार जाना चाहते हैं। कई मनोवैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि डरने में लोगों को मजा आता है, लेकिन इसके लिए भूत प्रेत का भ्रम फैलाना कतई ठीक नहीं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।